तो जी वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है ये इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और ये काइंड ऑफ पार्ट टू है जो कि हमने पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें कि हमने डिस्कस किए थे कि अपने जब आप इंडिया से यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या खर्चे अपने पास उसमें आते हैं पूरे। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी चीज़ के सेकेंड फेज़ की, दैट मीन्स जब आप इंडिया से एयरपोर्ट एंटर करते हो तो जो आपका इंडिया का वाला खर्चे का मीटर है वो तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, राइट। बट जैसे ही आप कनाडा लैंड करते हो और यहाँ के एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलते हो तो आपका एक नया खर्चे का मीटर स्टार्ट होगा जो कि होगा डॉलर में, और वो एक थ्रू आउट नया एक्सपीरियंस होगा आप सबके लिए। सो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि जब आप कनाडा में आओगे तो आपके खर्चे कौन कौन से आएंगे इनिशियल फेज़ में, और ये मिक्स होने वाला है वीडियो उन चीज़ों के बिहाफ पे भी कि आप जब यहाँ पे आते हो फर्स्ट आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी है। सो इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने करी थी, और शायद से मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिले कि क्या चीज़ें आपको सही करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और इसमें मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो एक ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मैंने की थी, शायद से आप लोगों का ऑर्डर इसमें चेंज है तो ये चीज़ें यहीं रहेंगी बट इसका ऑर्डर आप लोगों के लिए मे भी डिफरेंट हो सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको इस पूरे वीडियो में इन्फॉर्मेटिव क्या क्या होने वाला है। सो जी आप लोग फ्लाई करके इंडिया से कनाडा आ चुके हो, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुँचते हो तो जो पहला आपका खर्चा होता है वो होता है कि आपको एक डेस्टिनेशन में पहुँचना है, वो डेस्टिनेशन आपका होटल भी हो सकता है, वो आपका किसी रिलेटिव या फ्रेंड का घर भी हो सकता है। अब आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको पिक करने आ रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। मेरे केस में हुआ था कि मेरी एक जो फ्रेंड थी, आई एम रियली थैंकफुल टू हर जो मेरे को पिक करने आई थी, और अगर आपके केस में भी कोई आपको लेने आने वाला है तो आप इस खर्चे को हटा सकते हो, अगर नहीं तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो पहला खर्चा आपको होने वाला है कैब का, और कैब का खर्चा डिपेंड करेगा कि आपके किलोमीटर कितने हैं। सो जनरली ये होता है अराउंड $2 पर किलोमीटर के आसपास का ऑन एवरेज चलता है रेट, चाहे आप ऊबर ले लो या आप कोई लोकल टैक्सी को इसमें देख सकते हो। तो ये आप खर्चा आपके ऊपर ऐड आपके हिसाब से, अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव नोन आपको लेने आ सकता है तो वेल एंड गुड है, और जैसे कनाडा में टाइम लोगों के पास नहीं होता है सच, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप अपनी कैब करो और एड्रेस पे पहुंच जाओ, और मेक श्योर कि आपके ऊपर प्लेटफॉर्म पे आपका क्रेडिट कार्ड रजिस्टर्ड हो सो दैट आपको पेमेंट में ईजी पड़ जाए, बिकॉज कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऊबर वाले। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड खर्चा आपका होने वाला है जहाँ पे भी आप फर्स्ट अपना रहने का जुगाड़ करोगे, तो इसमें आपका वो या तो होटल हो सकता है या आपका एयरबीएनबी हो सकता है या आपके नोन या फ्रेंड का घर हो सकता है। मेरे केस में अगेन ये फ्रेंड का घर था इनिशियल 15 दिन के लिए, सो इस खर्चे को मैं फिर से इसमें नहीं जोड़ूंगा। अगर आपका कोई नोन या रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है सो आप इसको अपने खर्चे में जोड़ सकते हो, और ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना आपको चार्ज करते हैं होटल या एयरबीएनबी वाले। जनरली अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग $50 के आसपास एयरबीएनबी का पर डे का खर्चा है, और होटल्स का आई थिंक अभी क्वारंटाइन के चक्कर में थोड़ा सा आई थिंक प्राइस ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपको अपने हिसाब से ऐड या सेपरेट कर लेना है, बट एक ऑन एन एवरेज $100 पकड़ लो, 50 के डबल कर लो $100 वर्स्ट कंडीशन में अगर आपको कोई यहाँ पे नोन नहीं है तो। अब जी नेक्स्ट चीज़ जो आती है, अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हो ठीक है जी, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे को इनिशियल टाइम में जब मैं आया था तो मेरा खर्चा ऐसा नहीं हुआ था, दो खर्चे मैंने आपको बता दिए। सो मेरा जो स्टार्टिंग का 15 दिन था वो सिर्फ मैंने अपना जेट लैग दूर किया है, क्योंकि टाइम 10.5-11 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और यहाँ के टाइम में। सो मैं थोड़ा आलसी भी हूँ ठीक है, और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं आलसी हूँ, या मेरे वीडियो की फ्रीक्वेंसी से आपको पता लगी रहा होगा ऑलरेडी। मैंने तो स्टार्टिंग में 15 दिन अपना जेट लैग दूर किया है, अगर आप, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सेकंड डे से ही अपनी जॉब पकड़ के जॉब पे जाना स्टार्ट हो गया। सो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मेरे को इतनी हबड़ा तबड़ी नहीं थी जॉब ढूंढने की, और इनिशियल 15 दिन मैंने बढ़िया अपना आराम किया है। अब जब 15 दिन हो जाते हैं, अब कनाडा के अंदर आपके किसी फ्रेंड ने अगर पूरा घर रेंट किया है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और अगर आपके कोई फ्रेंड कहीं पे रूम रेंट करके रह रहा है लाइक मी, जो कि मैं घर के अंदर एक रूम रेंट कर रहा हूँ और मेरे साथ में लैंडलॉर्ड भी रहते हैं, तो जनरली यहाँ पे एक ट्रेंड है कि आपके लैंडलॉर्ड आपके गेस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे फर्स्ट, और वो आपको साफ बोल देंगे कि आपका कोई फ्रेंड घर में नहीं आएगा। सो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं पे अलाउ कर देते हैं मान लो तो वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए करते हैं 2-3 दिन, सो आपके पास वो 3 दिन होते हैं कि जो आप अपना नया रेंट का रूम ढूंढ सकते हो। मेरे केस में 15 दिन बाद मेरे फ्रेंड के लैंडलॉर्ड ने बोला था कि आपके जो फ्रेंड आए हैं उनको आप बोलो कि वो कहीं और मूव कर जाएं, तो मैंने अपना रूम देखना स्टार्ट किया था। और रूम देखने के लिए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी इस वीडियो में सिर्फ हम खर्चे की बात कर रहे हैं। सो जो मेरा पहला रूम था वो मेरा था आई थिंक 400 पर मंथ के हिसाब से, सो ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से रूम दे रहे हो, अब सस्ते रूम भी हैं बट वही है उस हिसाब से फैसिलिटी कम हो जाएंगी। मेरे को 400 में ब्रैम्पटन में सही रेट में मिल गया था, और फर्निश्ड रूम था, मेरे को कोई चीज़ जैसे मैट्रेस वैट्रेस बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जस्ट मैंने वहाँ पे अपना सामान डाला और मैं रहना स्टार्ट मैंने कर दिया था। अब रेंटिंग का 350 से 400 या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, तो आप उस हिसाब से रेंट ढूंढोगे, और आप जब सर्च ब्रैकेट करते हो उसमें आप प्राइसिंग डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो 350 से 400 खर्चा पकड़ के चलो अपना। अब आपका रेंट हो गया है,
जब आप घर में जाओगे तो आपको बड़ा वैसी बात है खाने पीने का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, और मेक श्योर जो पहली आपकी ग्रॉसरी आएगी वो सबसे कॉस्टली ग्रॉसरी होती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ से लाइक दाल मसाले नमक सब आपको अरेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे आप थोड़ा यहाँ पे टाइम देते रहोगे तो ये चीज़ें आपको खर्चे आपके कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास बेसिक नीड के आइटम होंगे। ठीक, अब इसके बाद आपने ग्रॉसरी कर ली। ग्रॉसरी का जो मेरा पहला था एक्सपीरियंस, आई थिंक हम लोग दो लोग थे और पर हेड आई थिंक $150 की ग्रॉसरी आई थी हमारी, काफ़ी ग्रॉसरी करी थी हम इस टाइम। और ग्रॉसरी कहाँ से करनी है चीप बाय वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, कि ये सेपरेट वीडियो है क्योंकि टॉपिक बड़े हो जाएंगे, तो दो आपके खर्चे कवर हो गए। अब अगर आपका रूम अनफर्निश्ड है तो आपको मैट्रेस वगैरह भी लेनी पड़ेंगे, मैट्रेस की कॉस्ट $80 to $100 आपके जो स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, तो आपको वो अरेंज कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके खर्चे इसमें जोड़ते रहना। अब आप यहाँ पे आ गए हो, इनिशियल डेज में किसी के पास कार नहीं होती है अगर आप अपने फ्रेंड के साथ नहीं रह रहे हो, और अगर फ्रेंड के साथ रह भी रहे हो सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको हमेशा अवेलेबल मिले कि आपको जाना है वो आपको दे दे, और यहाँ पे वो ट्रेंड भी नहीं है कि भाई जरा गाड़ी देना मैं जरा होकर आता हूँ, बिकॉज आपके पास यहाँ पे लीगली कोई राइट नहीं है कि आप गाड़ी चला सकते हो। क्या कर लेना है कि एक बस पास ले लेना, जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हो वहाँ की लोकल जो बस चलती है वहाँ के आपको बस पास मिलते हैं, और वो आपको लेना है वो $90 to $100 या $120 डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो ये चीज़ें आपकी हो गई ट्रैवलिंग की कवर इसमें। अब जी नेक्स्ट आता है कि आपको इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या कर लेना है। सो पहला काम आप जो करोगे रेंट से पहले या जो भी आप इसमें वही अपना नंबरिंग आपकी आगे पीछे हो सकती है, आपको जाना है जी अपने बैंक में। तो अगर आपने अपनी बैंक GIC सबमिट कराई है स्कॉशिया में तो आप जाएंगे स्कॉशिया, अगर आपने कराई है ICICI में तो आप जाओगे ICICI बैंक। और मेरी मानो अपने GIC के लिए स्कॉशिया बैंक को प्रेफर करना रादर देन ICICI, बिकॉज ICICI बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, और उसके आई थिंक एक या दो ही जगह पे मेजर सिटीज़ में ATM या आपको बैंक मिलेंगे, और स्कॉशिया बैंक ऐसा है कि हर गली नुक्कड़ में आपको स्कॉशिया बैंक मिल जाएंगे। तो प्रेफर करो स्कॉशिया में GIC करवाओ, और यहाँ आने के बाद उनको कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो और उनसे अपने अपना बैंक एक्टिवेट करा लो बेसिकली। तो आपको एक डेबिट कार्ड दे देंगे और आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे जिसकी लिमिट आपको 500 से 1000 होगी ही होगी। और क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है, क्या है क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे वैल्यू है, इसको भी हम आगे कवर करने वाले हैं किसी और वीडियो में। फिलहाल आपको ये काम कर लेना है, और इस पूरी प्रोसेस में आपके आधे से घंटा लगेगा जो बैंक का आपकी पूरी प्रोसेस है। आई विल से कि बैंक के बाद डायरेक्ट आप उसी दिन जा सकते हो अपना लाइसेंस का काम कराने। लाइसेंस आपको एटलीस्ट G1 के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना, बिकॉज हर जगह पर आप अपने ID कार्ड के नाम पर पासपोर्ट लेके घूमो इट्स नॉट अ गुड थिंग। जब आपके पास G1 आ जाएगा आपके पास ID प्रूफ हो जाएगा, कैनेडियन ID प्रूफ। और उसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से होता है, क्योंकि जीवन में सिर्फ आपको साइन लैंग्वेज करनी है, सो मैं आपको उसकी ऐप का लिंक दे दूंगा, iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मेक श्योर कि आप उसकी थोड़ी तैयारी अभी से स्टार्ट करने लग जाओ, और वो एग्जाम आपका आई थिंक 90-70-80 ऐसे मतलब होगा, आप उसको चेक करके मैं चेक करके डाल दूंगा उसकी फीस कितनी होती है, तो ये खर्चे भी आपको उसमें ऐड करने हैं। सो ये आपका जीवन भी यहाँ तक बन गया। ठीक है, अब एक खर्चा आपका बचता है मेजर, जो सबका फेवरेट है वो है नया फ़ोन लेना है आपको। ठीक है, अब नया फ़ोन लो या नया सिम लो दैट इज़ अप टू यू, आपका बजट कैसा है। और मैंने इनिशियली जो किया था मैं उसके साथ बताता हूँ। मैंने आया था तो यहाँ पे एक नेटवर्क प्रोवाइडर है फाइडो, मैंने उसका सिम लिया था, आई थिंक $50 अ मंथ पड़ रहा था इंक्लूडिंग टैक्स, एंड देन उसके ऊपर एक्टिवेशन फ़ी भी पड़ती है आई थिंक $45 की। और यहाँ पे जो इंटरनेट आपको मिलता है प्लान में वो बड़ा कम मिलता है, 4 से 5 GB का मिलता है, और बाकी आपको लोकल टॉक टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ अगर आपको आदत पड़ी है जियो की या किसी और इंडियन प्लान की तो भूल जाओ, यहाँ पे मिलेगा। बट बेस्ट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी पब्लिक हब पे आपको वाईफाई इजीली मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, तो मैनेज इसको आपको खुद से करना है। तो ये 50+50 मान लो इसको फर्स्ट मंथ में आपको फ़ोन के देना है, खर्चे काउंट कर लेगी, ये हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, अब आपको इंडिया से आने से पहले काम और कर लेना है, अपना एक रिज्यूमे तैयार करना है जिसको कि आप यहाँ पे आके अपने आसपास के घर के पास में स्टोर्स में बांटोगे, बिकॉज इनिशियल जो आपकी पार्ट टाइम जॉब होने वाली है वो इन्हीं स्टोर्स में होने वाली है जो आपके घर के आसपास हैं। तो आपको इंडिया से रिज्यूमे प्रिंट करा के लाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट $2 के आसपास है, ₹100 कॉस्ट है एक प्रिंट की। तो बेटर है आप इंडिया से 20-30 जितने भी आपको रिज्यूमे प्रिंट कराने हैं तो आप रिज्यूमे प्रिंट कराओ, और यहाँ पे आके अपने घर के आसपास जहाँ भी आप रूम लोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो दैट आपकी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है आप रिज्यूम बांटने वाली, दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो अपने पास है, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, अपने फ्रेंड को बोल के ये नेट पे सर्च करके कम से कम अपने आसपास कम से कम 4-5 एजेंसीज में जाके आप रजिस्टर करा सकते हो, और आपको वहाँ पे काम जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज एजेंसीज के पास ज़्यादा एक्सपोजर होता है कि उनके टाइप होते हैं अलग अलग कंपनी से, तो जहाँ जहाँ पे वैकेंसी आती है वो आपको अपने हिसाब से फिलअप कर देते हैं, और क्योंकि उनका भी कमीशन होता है तो वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। और एजेंसीज के थ्रू जॉब मिलने का फ़ायदा बड़ा होता है, इस ये आप यहीं पर आके पता लग जाएगा आपको। ये थी आपकी कमाई कैसे कर सकते हो, और ट्राई करो कि अपनी मैक्सिमम अपनी GIC थोड़ी सेव कर सको, बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो बैंक में आप जाओगे फर्स्ट टाइम तो बैंक आपको $2000 उसी टाइम दे देगा इनिशियल में, कि आपको $2000 आपके बैंक में, बिकॉज जो पहली इंस्टॉलमेंट आती है वो 2000 की देंगे बैंक वाले आपको, क्योंकि उनको भी पता है कि आप जब यहाँ पे आते हो तो आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो $2000 देख के पागल नहीं होना है कि मैं ये भी करना है मैंने वो भी करना है। तो ट्राई करो कि उसमें से कुछ आप सेव कर लो, पाँव उतने फैलाओ जितनी आपकी चादर है, और पहली इंस्टॉलमेंट 2000 की आती है, देन आपकी $675 की पर मंथ आपकी GIC आपको अकाउंट में आती रहेगी। तो चलो जितना मैक्सिमम सेव कर सकते हो वो सेव करो, और तब आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। बाकी जो खर्चे होते हैं स्टार्टिंग में आपको
कुछ खर्चे ऐसे होंगे मिसलेनियस खर्चे जो मैं शायद इस वीडियो में ना बता पाया हूँ बिकॉज ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मैंने सिर्फ पॉइंट नोट किया था, मैं आपको सिर्फ वो डिक्टेट कर रहा हूँ जो मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था। अब इसमें एक पॉइंट और बचता है जो आपका है शॉपिंग। तो शॉपिंग डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में आप आ रहे हो, कौन सा इंटेक आपका है। बिकॉज अगर आप विंटर में आ रहे हो तो इंडिया का कोई भी विंटर क्लोथ यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, ये लिख के ले लो मेरे से। बिकॉज यहाँ की ठंड और इंडिया की ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। सो माइनस थर्टीज़ में जब जाओगे तो आपको यहीं से जैकेट लेनी पड़ेगी और यहीं से आपको शूज़ वगैरह लेने पड़ेंगे विंटर के लिए, ठीक है। सो दो पॉइंट है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए इनिशियल डेज में जब आप आते हो। एक है मार्क्स शूज़ वगैरह के लिए, जो मेरे को पसंद आया लिटरली, क्योंकि वॉलमार्ट भी है, वॉलमार्ट में मैंने देखा था, वॉलमार्ट मेरे को पसंद आया नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मार्क्स एक ब्रांड है, और अगर आप शूज़ वगैरह के लिए विंटर शूज़ के लिए, एंड अगर आपको जैकेट लेनी है सस्ती विंटर जैकेट, तो आप माउंटेन वेयर हाउस बेस्ट रिकमेंडेड स्टोर है। आप जाओ शॉपिंग करो, $100-$150 के बीच में आपको अच्छी से अच्छी जैकेट मिल जाएगी। मैंने वहीं से ली थी, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ड्यूरेबल जैकेट है। सो ये सारे आपके खर्चे हैं जो आप इनिशियल आते हैं यहाँ पे लोगे, और बाद में जैसे जैसे आप आते हो लर्निंग आपकी होती रहती है, एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से फिर इन खर्चों को मोल्ड कर लोगे, कम ज़्यादा कर लोगे, रूम अच्छा लगेगा, महंगा सस्ता। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने स्टार्टिंग की थी 400 के रूम से और आज मेरे रूम का रेंट है 600, जो कि एक सेपरेट रूम है। स्टार्टिंग मैंने शेयरिंग से की थी, अब मैं अपना अकेला रहता हूँ रूम में। सो ये 2 साल के अंदर मेरा हो चुका, 2 साल नहीं, मतलब मेरे 1.5 साल में मैं इस चीज़ में मूव कर चुका था। 400 मेरा स्टार्टिंग में था, अब मैं 600 अपना खुद का रहता हूँ और शेयरिंग बिल्कुल नहीं है। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी चादर कितनी बड़ी है, अगेन वही बात है, और चादर के हिसाब से चलोगे तो बेटर रहेगा और सुखी रहोगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करो, बिकॉज सब लोग यहाँ पे कमाई करने के लिए आते हैं, और सेव करो, इंडिया भेजो, एंजॉय करो, खर्चे करो, जो करना है करो। और ये सब आपकी स्टोरी इस वीडियो के लिए काफ़ी है, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। और इसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे वो छोटे छोटे स्टेप में होंगे कि आपका रेंटिंग का जो होगा, स्पेशली ग्रॉसरीज़ का होगा, कहाँ से कैसे कितनी और क्या क्या मिल जाता है इजीली, क्या क्या लेके आपको नहीं आना है, और देन आपके फ़ोन। तो ये 3-4 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, और आपकी हाँ आपकी गाड़ी के बारे में, गाड़ी परचेजिंग का, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में कवर करने के लिए इनके एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ताकि इस वीडियो में भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है। सो जी इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। और अगर कोई क्वेरी आती है इन सब से रिलेटेड, आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, यू हैव माय इंस्टाग्राम आईडी, और आपके पास इस वीडियो के कमेंट भी होंगे, और जो भी मैंने बात की है, जो भी लिंक्स की मैं बात की है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, सो दैट आपको उनसे भी कुछ हेल्प मिल जाए। सो तब तक के लिए ध्यान रखो और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।